नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। आपके साथ मैं गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। केनरा बैंक अधिकारी के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विगत कुछ साल पहले इंदौर में रहने वाले नीतीश जैन द्वारा केनरा बैंक से 18,60,000 का होम लोन लिया गया था, जो हमने पूरा भर दिया था। उसके बाद भी हमने पीएम की योजना में 22 लाख का लोन लिया था, लेकिन केनरा बैंक के मैनेजर द्वारा हमारी रजिस्ट्री उसमें खुद नहीं मर्ज कर दी, जिसकी शिकायत हमने पुलिस अधिकारी को भी की और कलेक्टर से उसे तुरंत कार्यवाही के आदेश भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर 2016 और 17 में जो बैंक मैनेजर अनिल माथुर द्वारा असत शपथ पत्र देकर अपर कलेक्टर को रुचिका चौहान, अपर जिला दंडाधिकारी को ने असत शपथ पेश करके हमारी मकान की नीलामी करवाई गई। मकान की नीलामी करवाने के बाद हमें माननीय DRT जबलपुर न्यायालय से स्टे लेने के उपरांत फिर मैंने सब जगह फिर कार्रवाई की, फिर उसकी जांच हुई। माननीय लोकेश जी जाटव उस समय अभी कलेक्टर थे 2020 में, उनने जांच करवाई तो सारे बैंक के अधिकारी दोषी पाए गए। उसमें चारों बैंक के अधिकारी 2013, 2015 और 2018 नहीं अनिल माथुर इसमें आप क्या चाहते क्या? इसमें हम ये चाहते जो चारों मैनेजर दोषी हैं इसमें उनके खिलाफ, उनको अभी दो मुलजिम बने हैं, दो मैनेजर, दो और अनिल, राजू एन कोरी और अनिल एन माथुर। राजू एन कोरी 2015 में था, 2018 में अनिल माथुर था, जिसमें हमें अपनी घर की पुश्तैनी जमीन बेचना पड़ी इनके बैंक के चक्कर में। इनने ना तो हमें सब्सिडी थी टाइम पे जो ब्याज अनुदान मिलना था, और रजिस्ट्री को मर्ज कर लिया और रजिस्ट्री रख ली, रजिस्ट्री मांगी गई, उल्टा बैंक अधिकारियों द्वारा हमें धमकाया गया, चमकाया गया कि हमारा पुलिस कुछ नहीं कर सकती, हमारा कलेक्टर कुछ नहीं कर सकती। ताजा आपने क्या कर रखा इस मामले को? ताजा इसमें 18 जून 2020 को माननीय प्रशासन द्वारा जो लोकेश जाटव जी द्वारा निर्देश आदेश दिए गए थे, तो 17 जून 2020 को जो आदेश दिए गए उसके बाद 18 जून 2020 को मलारगंज थाने में FIR दर्ज हुई। उसमें FIR में सिर्फ एक ही धाराएँ लगाई गई, 420। उसमें अभी दो मुलजिम आते, अभी और दो मुलजिम और उसमें बनेंगे, राजू एन कोरी, अनिल माथुर। अभी किस किस को गिरफ्तार कर रहा है? अभी गिरफ्तार नहीं किया, मलारगंज पुलिस थाना से निवेदन है कि इसमें मतलब आरोपियों की अरेस्टिंग उसी मामले में, जब अभी तक आरोपियों की अरेस्टिंग नहीं हुई तो माननीय मैं CN साहब से भी 9 जुलाई 2020 को अभी मिला तो CN साहब ने और CM साहब के अधिकारी ने जो न्यू मार्केट पे बंगला है वहाँ पे उनने बताया आपके साथ घोर अन्याय हुआ, और उनने माननीय इंदौर कलेक्टर साहब, इंदौर DIG को आदेश दिए इसमें आरोपियों को धाराएं बढ़ाई जाएं और गिरफ्तारी की जाए, जिसमें पुलिस आरोपियों को बचा नहीं सके, इन पर संपूर्ण चारों मैनेजरों पर संपूर्ण कार्रवाई हो, उनको अरेस्ट किया जाए। मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दे दिया गया। हाँ, तो साहब ने TI साहब को मलारगंज थाने के TI साहब संजय मिश्रा जी को भी DIG साहब ने बुलाया था 10 तारीख को, उन्होंने निर्देश दिए कि आरोपियों की शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाए और इसमें धाराएँ बढ़ाई जाए। और माननीय आज कलेक्टर साहब ने टाइम दिया है, आज माननीय कलेक्टर साहब से भी हमें मिलना है, 2 दिन से टाइम नहीं था तो कलेक्टर साहब ने, माननीय कलेक्टर साहब ने इंदौर कलेक्टर नाम बताइए। मेरा नाम नीतेश जैन। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ। नमस्कार।